पिंड मियानी में, यहाँ हमारी एक जर्नलिस्ट कॉन्फ्रेंस थी और एवेयरनेस प्रोग्राम भी था, उसमें हमारा नेशनल ह्यूमन रिसोर्स जस्ट का क्या प्रोग्राम है कि हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं, फंडामेंटल राइट्स बताते हैं, सोशल जस्टिस बताते हैं, ड्रग्स के मुताबिक उनको अवेयरनेस देते हैं, जो वायलेशन होते हैं उनके बाद अवेयरनेस देते हैं। उसके सिलसिले में आज हमारी मीटिंग थी, ये हुशियारपुर में थी। हमारा जो इसमें हमारा सतविंदर जी सिंह जी है, ये इंटरनेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी और साथ में ये नेशनल चेयरमैन भी है इसमें, और मेरे साथ परवेज मलिक साहब भी है, ये ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी भी है ये नेशनल ह्यूमन राइट्स में, और हमारे विशाल जी है ये स्टेट सेक्रेटरी भी है, और भी हमारे और यहाँ पर आए हैं। तो इन हमारा मकसद और मिशन यही था कि नेशनल ह्यूमन राइट्स को लोगों तक पहुँचाना है, लोगों को अवेयरनेस देना आपकी फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपकी जस्टिस क्या है। उसमें हमने टॉप जिक्र के रिहेबिलिटेशन भी किया है, ड्रग्स के मुताबिक किया है, और जो जहाँ पर ज़्यादा रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम अवॉर्ड कर रहा है, अवेयरनेस कर रहा है, उसके लोगों को तैयारी देना है ताकि लोगों को अपना राइट ऑफ रेस्पेक्ट और राइट ऑफ सेल्फ मिलेगा, सारा चीज़ मिलेगा। तो ह्यूमन राइट्स का यही मिशन है कि लोगों को आवाज़ हुकूमत तक पहुँचा देना, और हुकूमत का काम ही उसको इम्प्लीमेंट करना, नेशनल ह्यूमन हमारा काम है कि रिकमेंड करना। ये हमारी नेशनल ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ये कोई एनजीओ नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, ये इंटरनेशनल काउंसिल है, ये पूरे वर्ल्ड में इस वक्त काम कर रहे हैं। तो हमारा यही मिशन है कि इस प्रोग्राम को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा दे, पूरे वर्ल्ड में पहुंचा दे, ताकि लोगों को अदल और इंसाफ मिलेगा और सामाजिक कल्याण मिलेगा, और इन हर एक इंसान को अपना बेनिफिट मिलेगा, जो कि हुकूमत की अवरीन फुर्सत है। हुकूमत को ये चाहे लोगों को पानी दे, लोगों को रोज़गार मिले, लोगों को रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मिले, और ख़ासकर आजकल जो चलते हैं वो ड्रग्स पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अगर हमको यूथ को बचाना है, ड्रग्स को अवेयरनेस देना है, और ड्रग्स में हुकूमत को आपके माध्यम से अपील भी करता हूँ, जो हमारी पढ़े लिखे यूथ है, जो बेरोज़गार है, उनको कम से कम 10,000 रुपये हर महीना पेंशन दिया जाएगा, ताकि उसमें जब तक उनको अपना जॉब मिलेगा, उससे ये हो जाएगा कि वो दूसरे कामों में मुलव्वस हो जाते हैं, उसके माँ बाप भी परेशान हैं, उससे वो बच जाएंगे। यही मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से, और हुकूमत हिंद को भी है, खासकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी को भी है, अमित शाह जी को भी है, तमाम, और जो पंजाब में हम इस वक्त है, यहाँ की चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट से भी अपील है, यहाँ को यूथ को बचाओ, और यहाँ के यूथ के साथ एक डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाओ, और डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ सबका खुशहाली का माहौल रहेगा। ज़्यादा फोकस एवरेस्ट पर करें, ड्रग्स पर करें, और बाकी चीज़ों पर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।